नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल खीर। तो आइए देखिए कैसे बनता है और इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉयल्ड चना दाल ली है। मैंने चना दाल को अच्छे से बॉयल्ड कर लिया है और यहाँ तो उसे मैश हो जा रही है। और यहाँ पर मैंने दूध लिया है, ये चीनी, और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू लिए हैं, और ये लिया है मैंने नारियल का बूरा, और यहाँ पे इलायची ले लिया है, और ये मैंने एक टीस्पून शुद्ध घी लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है बादाम और ये किशमिश। तो इतनी कम चीज़ों में हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर, और इसकी खीर बहुत ही अच्छी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख लिया एक फ्राइंग पैन गैस पे, और उसमें मैंने जो घी लिया था वो थोड़ा सा घी डाल लिया है। और देखिए अब घी हमारा गरम हो चुका है, तो मैं डाल दूंगी उसमें बादाम। बादाम को मैंने कट कर लिया था दो टुकड़ों में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया, और ये डाल दिया मैंने काजू। इन सबको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा हम भून लेंगे। और अब हम किशमिश भी डाल देंगे, इसको भी हल्का सा भून लेंगे हम। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इन सारी चीज़ों को एक अलग बाउल में निकाल लेती हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया है बाउल में। अब इसी फ्राइंग पैन में मैं दोबारा गैस जला के दाल डाल दूंगी, चना दाल, और हल्का सा मैं इसे फ्राई कर लूंगी। घी में फ्राई होने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ, और अब मैं डाल दूंगी दूध और इसे बराबर चलाते रहेंगे दूध डाल के। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए और खीर हमारी पक गई है। तो मैं इसमें नारियल का जो बूरा था मैंने जो खरीदा हुआ था, आप चाहें तो घर में भी कद्दूकस करके नारियल डाल सकते हैं, और उसको डाल के मिला लिया है। और अब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है और धीरे धीरे पक रही है खीर, खाने में बहुत ही अच्छी होती है। देखिए यहाँ पे इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब मैं डाल दूंगी चीनी, और चीनी को डाल के भी मैं अच्छे से पका लूंगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी खीर गाढ़ी हो गई है, और जो ढेर सारे हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और अब हम बराबर इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे से पकड़ ना ले। और लास्ट में हम डाल देंगे इलायची, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और खीर को मैं सर्व कर लूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं खीर को सर्व कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी खीर को सर्व कर लिया है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगली वीडियो में कौन सी लेके आऊँ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए हमारी वीडियो को और लाइक करिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी लेके आएँ तो उस सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय दोस्तों।